बजरंग, जी हां बजरंग, आज दी इनसाइड स्टोरी में इसी की चर्चा होगी। यही है आज हमारी खास पेशकश। नमस्कार, आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। दरअसल रामनवमी के जुलूस के दौरान पिछले दिनों जो हिंसा हुई थी, तब भी संगठन को लेकर कई बार चर्चाएं हुई। उसके बाद गौरक्षकों की गुंडई का किस्सा हो या फिर वैलेंटाइंस डे पर होने वाले बवाल, इस संगठन को लेकर बार बार चर्चा होती रही है। सवाल यह है, आखिर यह संगठन है क्या? इस बार राजनीतिक वजहों से बहुत ज्यादा इस संगठन को लेकर चर्चा हो रही है। तो यह संगठन अस्तित्व में कैसे आया और बार बार इस संगठन को लेकर बवाल क्यों हो जाता है, यह संगठन काम कैसे करता है, यह पूरी दास्तान आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इनसाइड स्टोरी में। दिल्ली मुंबई हाईवे, वक्त रात करीब 3 बजे। रात के सन्नाटे में हाईवे पर भागम भाग, आगे कैंटर तो पीछा करती एक कार, एक दूसरे से आगे निकलने की हो ऐसी दौड़ जिसमें ट्रक का पहिया तक निकल जाता है, बावजूद इसके ट्रक नहीं रुकता। दिल्ली जयपुर हाईवे, वक्त रात करीब 12 बजे। हाईवे पर फिर वही सीन, टाट का पर्दा लगे रफ्तार से भागता कैंटर और कैंटर का उसी रफ्तार से पीछा करती कार। ट्रक को रुकने का इशारा किया, धमकाया, डराया, लेकिन ट्रक वाले ने ब्रेक न लगाया। टोल प्लाजा का बूम बैरियर तोड़कर फरार हो गया। यमुना एक्सप्रेस वे, वक्त रात करीब 2 बजे। जगह नई लेकिन मंजर में वही रफ्तार, वही हथियार और फिर वही भागम भाग। हरियाणा से, राजस्थान से या तो कभी एमपी या यूपी से, राज्य कोई भी गौरक्षा के नाम पर देश के कई राज्यों के एक्सप्रेसवे पर ऐसी भागम भाग की तस्वीरें अक्सर आती रहती हैं। सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं जिन्हें ट्रक में गायों का लदा होना रत्ती भर भी मंजूर नहीं है? वो लोग कौन हैं जिन्हें वैलेंटाइन बिल्कुल भी मंजूर नहीं है? वो लोग कौन हैं जो फिल्मों में हिंदू प्रतीकों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाकर बवाल काट देते हैं? जवाब बजरंग। बजरंग बली की, बजरंग बली की। वही बजरंग दल जिसको लेकर इन दिनों दक्षिण के चुनावी राज्य कर्नाटक की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की? माफी मांगे प्रधानमंत्री इस देश से। प्रभु श्री राम को सालों तक तालों में बंद रखा, अब उनको बजरंग बली के नाम से भी तकलीफ है। यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की, यहाँ भी सोचेंगे। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है। अगर PFI पर उंगली उठ रही है, स्वाभाविक है, चीजें हैं, सबूत हैं और उसी के मुताबिक बजरंग दल के खिलाफ भी सबूत हैं। कांग्रेस कहती है सरकार बनी तो बजरंग दल पर बैन लगेगा, बीजेपी कहती है कांग्रेस हिंदू विरोधी है। कर्नाटक की चुनावी राजनीति दोनों पार्टियों की अपनी अपनी मजबूरी है, लिहाजा जानना जरूरी है कि आखिर ये बजरंग दल है क्या, बजरंग दल का इतिहास क्या है, बजरंग दल क्या करता है, बजरंग दल का मकसद क्या है, कर्नाटक में इस पर विवाद क्यों? जवाब जानना चाहते तो देश की हिंदुत्व वाली राजनीति का पूरा रेखागणित समझना होगा, महीने भर पहले चलना होगा। हाथ में भगवा पताका और सुबह पर जय श्री राम के नारे,
राम नवमी के मौके पर देश के करीब हर हिस्से से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। देश के कोने कोने में शोभा यात्राएं कौन निकालता है? जवाब, बजरंग। वैलेंटाइन डे के मौके पर पार्कों से प्रेमी जोड़ों को भगाते हैं, कई बार तो जबरन शादी भी करा देते हैं, मारपीट भी करते हैं, जय श्री राम का नारा भी लगवाते हैं। ये लोग कौन? जवाब, बजरंग। तस्वीरें अहमदाबाद की, जहां भगवा पटका गले में बांधे हुए भीड़ ने पठान फिल्म के पोस्टर फाड़ डाले थे, सिनेमा मालिकों को फिल्म रिलीज न करने की धमकी भी दी थी। ऐसी तस्वीरें देश के कई शहरों से सामने आई थी। ये लोग कौन थे? जवाब, बजरंग। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सिर्फ इन्हीं वजहों से कांग्रेस बजरंग दल को बैन करने की मांग कर रही है? बजरंग दल को लेकर बीजेपी इतनी आक्रामक क्यों है? क्या बजरंग दल की कहानी सिर्फ इतनी ही है? जिस कर्नाटक में बजरंग दल को लेकर सियासत उफान पर, उसी कर्नाटक के अंजनाद्री पर्वत को बजरंग बली का जन्मस्थान माना जाता है। इसीलिए बजरंग दल की पूरी कहानी को समझना जरूरी है। 39 साल पहले के दौर से शुरू करते हैं। 8 अक्टूबर 1984 अयोध्या, उत्तर प्रदेश। ये वो दौर था जब देश में राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हो रही। उत्तर से दक्षिण तक राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन होने लगे थे, जिसकी अलग जगाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने उत्तर प्रदेश में राम जानकी रथ यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। वीएचपी ने रथ यात्रा के लिए सरकार से सुरक्षा की मांग की, तब यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। इससे नाराज संतों ने नौजवानों को रथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात करने का फैसला किया, जिसकी जिम्मेदारी फायर ब्रांड लीडर विनय कटियार को दी गई। राम जानकी रथ यात्रा के लिए विनय कटियार ने नौजवानों की टीम बनाई। संतों ने कहा कि जिस तरह श्री राम के कार्य के लिए हनुमान सदा उपस्थित रहते थे, उसी तरह आज के युग में श्री राम के कार्य के लिए बजरंगियों की टोली मौजूद रहे, और इस तरह 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की स्थापना कर दी गई। 1984 में जब राम जानकी रथ यात्रा अयोध्या के अंदर निकल रही थी, तो उसमें तत्कालीन सरकार ने कहा कि हम जो है ना उनको सुरक्षा नहीं दे सकते, आप अपनी सिक्योरिटी खुद करिए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि इस तरह का कोई रथ यात्रा भी निकले। तो उस समय पूज्य संतों ने कहा कि भाई हमारे हिंदू युवक सक्षम हैं तो वो ही सुरक्षा करेंगे। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया, वो ग्रुप ने पूरी यात्रा की सुरक्षा की और इतनी अच्छी सुरक्षा करी कि पूज्य संत पूरी तरह से गदगद हो गए। उन्होंने कहा अब इन यूथ का कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए। बजरंग दल का दावा है कि इस संगठन का जन्म किसी के विरोध में नहीं, बल्कि हिंदुओं को चुनौती देने वाले कथित असामाजिक तत्वों की रक्षा के लिए हुआ है। बजरंग दल प्रखर हिंदूवादी संगठन है। इसका उद्देश्य हिंदुत्व को घर घर पहुंचाना है। मुख्य रूप से कहें तो बजरंग दल गौ, गीता, गंगा और गायत्री की रक्षा के लिए काम करता है। बजरंग दल का सूत्र वाक्य सेवा, संस्कृति और सुरक्षा है। बजरंग दल ने तीन प्रकार के काम अपने हाथ में लिए। एक तो साहसिक कार्य, जिससे कि हिंदू समाज के अंदर शौर्य और हिंदू समाज के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत हो, जो असुरक्षा की भावना है वो दूर हो। बजरंग दल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर वजूद में आया था, इसीलिए बजरंग दल की छवि कट्टर हिंदू समर्थक के तौर पर हो गई। 1992 में बजरंग दल पर अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने में शामिल होने के आरोप लगे थे, जिसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार ने 1992 में पांच संगठनों पर बैन लगाया था, जिसमें बजरंग दल बजरंग दल पर कोई आरोप साबित नहीं हो पाए, लिहाजा कुछ महीने बाद ही सन 1993 में उस पर लगाया बैन हटा लिया गया। इसके बाद बजरंग दल देश में लगातार विस्तार करता गया। बजरंग दल भारत के हिंदी पट्टी में हिंदुओं का एक दमदार और प्रभावशाली संगठन तो है ही। इस संगठन ने कर्नाटक की सियासत और सामाजिक दायरे में भी अपनी गहरी पैठ बनाई है। खासतौर से पिछले कुछ वक्त के दौरान बजरंग दल नौजवानों में काफी लोकप्रिय हुआ है। कर्नाटक के अंदर ही चिकमगलूर में एक दत्ता यात्रा प्रारंभ करी, जहाँ पर के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हो गया था, मंदिरों पर अतिक्रमण हो रहे थे, तो उसे बचाने के लिए लैंड जीआर और लव जीआर से लाखों बहनों को बचाया। 86 लाख गऊओं को हमने कटने से बचाया जी, और इसके अलावा 1 लाख से अधिक रक्तदान प्रतिवर्ष बजरंगी कार्यकर्ता हुतात्मा दिवस पर करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि दक्षिण भारत में बजरंग दल के पॉपुलर होने की वजह क्या है? जवाब ऐसे समझिए, पिछले कुछ दशकों के दौरान कर्नाटक में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बढ़ा है। बजरंग दल इसे धर्म परिवर्तन की साजिश करार देता है। कर्नाटक में कुछ साल के दौरान बजरंग दल के बहुत एक्टिव होने की एक वजह यह भी मानी जाती है। कर्नाटक ही नहीं, देश में बजरंग दल का विस्तार कुछ साल के दौरान काफी बढ़ा है। रामनवमी और हनुमान जयंती के दौरान देश में बड़े स्तर पर शोभा यात्राएं निकाली जाने लगी।
जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ती। ये और बात है कि पिछले कुछ साल के दौरान बजरंग दल का जिक्र कम ही सुर्खियां बनता रहा, लेकिन कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने का ऐलान कर बीजेपी को लगे हाथ मुद्दा दे दिया है। पीएफआई पे तो प्रतिबंध लगा हुआ है, तो मान्यवर जो लगा हुआ है उस पे आप क्या लगाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने विवादित ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को संघ और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया, परंतु बाहरी ट्रिब्यूनल ने 4 जून 1993 को खारिज कर दिया। बजरंग दल आतंकवादी संगठन नहीं, बजरंग दल उत्पाती संगठन। कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की मेहनत में पलीता लगाने का। हफ्ते भर बाद कर्नाटक में चुनाव होने, तब तक वार पलटवार का दौर चलता रहेगा, लेकिन बजरंग दल के बारे में कई और अनकही अनसुनी बातें अभी बाकी। अगली रिपोर्ट में देखिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।